नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरफैक्ट यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंडियन कपिल शो के 10वां एपिसोड। राजकुमार राव और जानवी कपूर के नाम मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी का प्रमोशन करने के लिए उन्होंने आए हैं। इस एपिसोड का जो ऑफिशियल प्रोमो है वो रिलीज हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा इस छोटा सा प्रोमो देखकर। वो पे बहुत सारे मौज और मस्ती हो रहे थे और पीकू सरदा, सुनील ग्रोवर और कृष्ण अभिषेक, इन तीनों का जो कॉमेडी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। इस प्रोमो में इस द ग्रेट इंडियन कपिल शो के टोटल 13 एपिसोड का शूटिंग हो चुका है। उस 13 एपिसोड के लिए कपिल शर्मा ने हर एपिसोड 5 करोड़ रुपीज़, यानी कि टोटल 65 करोड़ रुपीज़ ले चुके हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कितने सारे पैसे लेंगे वो पब्लिकली नहीं आया है, लेकिन 13 एपिसोड का शूटिंग हो चुका है और अभी 10वां एपिसोड मतलब रिलीज होने वाला है। तो मतलब कि उस जो 13 एपिसोड के बाद जो एपिसोड है वो भी शायद शूटिंग शुरू हो चुका है। और कपिल शर्मा ने उस एपिसोड के कितने ज़्यादा पैसा ले रहे हैं वो भी मतलब क्रिएटर्स के साथ डिस्कस हो चुका होगा। जब भी हमें उसके बारे में पता चलता है हम तुरंत इसी चैनल में पोस्ट करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इस जो 10वां एपिसोड है इसका खास बात यह है कि यह पे राजकुमार राव और जानवी कपूर ने आए हैं। और राजकुमार राव और जानवी कपूर असल लाइफ में इतना ज़्यादा फनी मतलब कॉमेडी करते हैं वो आप पूरा का पूरा फील कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि IPL के जो फाइनल मैच था वहाँ पे उन दोनों ने गया था और जानवी कपूर ने एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहने गई थी और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी उन्होंने। और वहाँ पे उन दोनों ने ही मतलब कि राजकुमार राव और जानवी कपूर उन दोनों ही KKR मतलब कि कलकत्ता नाइट राइडर्स का सपोर्टर थे उन्होंने। और कलकत्ता नाइट राइडर्स के दर्शकों भी इस ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक की। और अभी द ग्रेट इंडियन कपिल शो में उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस माही जो फिल्म है जहाँ पे क्रिकेट की स्टोरी दिखाया गया है वो प्रमोशन मतलब प्रमोट करने के लिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो में उन्होंने आए हैं। लेकिन उस जो पूरा का पूरा शो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी और फनी मोमेंट्स में भरा होंगे। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि राजकुमार राव और जानवी कपूर के मतलब इस जो फिल्म के शूटिंग के दौरान जिस तरह से घटना घटी थी वो सारे कुछ उन लोगों ने शेयर की थी। इस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार तरीके से बनाया गया है। अगर आप इस एपिसोड को देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पे जा सकते हैं। और इस द ग्रेट इंडियन कपिल शो के हर एक छोटी बड़ी अनकट सीन्स और फैक्ट्स के बारे में हम इसी चैनल में पोस्ट करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।